चांद को सारे लखंड अब देखो कॉलर खड़े और इस बात पे मास्टर नहीं हुए कॉलर कैसे खड़े तेरे अब पकड़ के इसकी छोटी सी गैस लीक कर रहे हो थोड़े वाले पदोड़े हो पर अगर आपने सोची आज तो घर में हूँ कोई नहीं आसपास कोई देख भी नहीं रहा कितनी भी बात समझा लूं कितना भी सिखा लूं पर दिमाग में घुसने का नाम नहीं लेता है और मैडम नए नए जतन करती रहती है कि भाई कैसे ये सीख जाए और आज जो तरीका मैं लेके आई हूँ ना उस तरीके से अगर तुमने नहीं सीखा तो भाई मेरा नाम बदल दियो बताओ क्या नाम रखोगे बदल के मेरा पूनम से क्या बताया बिल्ली रख देगी कल्पना नाम ये बढ़िया नाम है यार बिल्ली कुत्ता है घोड़ा रीना कोमल कल्प पारुल भाई ये नाम तो बढ़िया है बिल्ली कुत्ता मत रखियो बोल बोल अरे गजब चलो अभी इतने सारे नाम आपने बताए इन सब नामों का मैं यूज करूंगी जो जो नाम आपने मुझे नए नाम दिए पर वो नाम तो आप मेरे जब रखोगे ना जब मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगी मैं गारंटी ले रही हूँ कि इस बार गलती नहीं करूंगी तुम तो तुम लोगों को कितनी बार मैंने मात्रा सिखाने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग किया है बट आज जो तरीका बताने वाली हूं हर मात्रा के लिए वो तुम लोग मजेदार तरीके से याद रखने वाले हो ठीक है तो रेडी हो सारे तो सबसे पहली मात्रा अब इस मात्रा के लिए ये जो पॉइंटर है हमारा जिससे हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड पर कोई भी चीज ये पॉइंटर एकदम सीधा एकदम डंडे जैसा है और भाई अगर ये डंडा किसी को पड़ जाए लाखन आ जा आज तो गया लाखन है ये लाखन अब देखो कॉलर खड़े और इस बात पे मास्टर नहीं हुए कॉलर कैसे खड़े तेरे अब पकड़ के इसकी टूई पे क्या करा कैसी आवाज निकली है नहीं अब ये डंडा जैसे ही ये डंडा सीधा डंडा है ऐसे ही इसकी मात्रा है क्या है इसकी मात्रा तो जो हमारे लाखन शेर सिंह को ये डंडा इसकी टूई पे पड़ा और आवाज कैसी निकली तो इस मात्रा की आवाज भी कैसी है कैसी है अब जब तुम्हें ये डंडा दिखाई दे तो बस अपने आप तुम्हारा कैसी आवाज निकलेगी अब आ की मात्रा से अगर कोई शब्द बनाना हो तो कैसे बना लोगे आप लोग कोई भी शब्द जैसे क आ म जहां पे ये डंडा दिखे वहां पर मुंह से अपने आप क्या आवाज निकलेगी कैसे आवाज निकलेगी वेरी गुड तो जी अब आप सीट पे चले जाओ ये एक मात्रा हो गई अब इसके बाद अगली मात्रा अब मान लो आ जाओ अवनी आ जाओ जल्दी से अब ये अवनी और अवनी के सिर पे मैंने रख दिया वजन क्या रख दिया तो अवनी के मुंह से कैसी आवाज निकलेगी कैसी आवाज निकलेगी देखो अगर मैंने अवनी के सर पे थोड़ा सा वजन रखा है ना अवनी के सर पर थोड़ा सा वजन रखती हूं तो अवनी की आवाज निकलेगी ई किसकी ई कैसी पर अगर अवनी के सर पे भारी वजन रख दिया हाँ तो कैसी आवाज निकलेगी मतलब ई खींच के ई है ना अगर हल्का वजन रखा जाएगा तो ई और अगर भारी वजन सर पे रख दिया जाए तो ई बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी तो अगर आपकी मात्रा आगे से लगेगी ठीक है अगर आपकी मात्रा आगे से लगेगी यहां से लगेगी तो ये हो जाएगी ई क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी आप जैसे क ई ता ब क्या हो गया किताब हो गया ये हो गई अब यही मात्रा अवनी के स्वर पे भारी वजन रख दिया भारी वजन ये देखो वजन भारी है ई है ना वजन लेके जा रहे हो हल्का वजन लेके जाओगे तो ई भारी वजन लेके जाओगे तो ई है ना तो अगर इधर से आपकी मात्रा लगेगी पीछे से तो क्या हो जाएगी आपकी ई ठीक अच्छा
बड़ी की मात्रा का कोई शब्द बताइए। खर की बोरी। सही तो है, बोरी है ना, पर कोई और बताओ। हाँ भाई, अवनी। अवनी अवनी, क्या दिमाग लगाया। सही, बिल्कुल। इसका नाम है, ताली बजाओ इसके लिए। तो ई हो गया इसके सर पे भारी वजन। क्या हो गया? और भारी वजन से निकलेगी ई की आवाज। ठीक है, अब अगर आया मुझे गुस्सा, जाओ बेटा सीट पे, और मैंने कहा ए शांत, बिल्कुल सारे कमाल, सारे शांत हो गए। मुंह पे उंगली, अगर आपको ए बोल के मुंह पे उंगली रखवाई जा रही है तो ये जो मुंह पे उंगली है ये कौन सी आवाज थी अभी? ए, है ना, और मुंह पे उंगली। तो बस जी, ये उंगली जब भी आपको कहीं रखी दिखेगी, ये री जी उंगली, ठीक है, ये उंगली दिखेगी जब आपको, तो कैसी आवाज आएगी आपके मुंह से? ए, कैसी आवाज आएगी? ए, अच्छा, ए की मात्रा का कोई शब्द केला। वेरी गुड, शाबाश। तो का ए ल आ के ला, ठीक है। तो ये उंगली जब दिखेगी तो कौन सी मात्रा है? एक। पर अब मान लो दो बालकों में हो गई क्लास में लड़ाई। हाँ भाई, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ। अब इन दोनों में मैडम ने पता नहीं चला पीछे बैठ के इनमें लड़ाई बाज गई है, और इसने यूं कही कि आज तो इतनी गहरी लड़ाई हो गई, एक बार हुई भी थी पीछे, कि आंख में फोड़ दूं आज, नहीं तुझे देखन दूं मैं बिल्कुल। है, हो जाएगा कभी कभी ऐसी लड़ाई से मेरे पास आगे अपने फैसले लेके आते हो? तो ये इसने ऐसे करी अपनी हाथ और ये चला जी, आज तो तेरा दिदे ही फोड़ू, अभी हुई थी लड़ाई, समझाया था ना मैडम ने। तो आपको ये उंगली कोई दिखा रहा है यूं, और ये उंगली दिखा के जब भी कोई सुई कुचती है, आपके कुछ घुसता है, तो कैसी आवाज निकलती है? आई। तो ये दो उंगली जब आपको दिखे और लगे कि अरे ये तो मेरी आंख फोड़ेगा, तो आपके मुंह से कैसी आवाज आएगी? आई। हाँ भाई, कैसी आएगी? आई। गलती से फोड़ मत दियो एक दूसरे की आंखें, हैं? ये शैतानी जो पहले हुई थी दोबारा नहीं दोहरानी बेटा, ठीक है। तो चलो पहुंच जाओ। अब अगर कोई कह रहा है कि भाई ये दो उंगली दिखा के मैं तो फोड़ू है, तो कौन सी आवाज निकलेगी? ये दो उंगली दिखते ही आई, कौन सी आवाज? आप आई की मात्रा देखिए, अगर दो उंगलियां चाहिए ना, दो उंगलियां चाहिए ना, तो ये दो उंगलियों के साथ हो गई हमारी आई की मात्रा। किसकी मात्रा? आई। किसकी मात्रा? आई की मात्रा। जैसे पा आए र पैर, क्या हो गया? पैर, ठीक है, क्या हुआ ये? पैर। आय की मात्रा इसके ऊपर आई है, ठीक है। दो उंगलियां आपको दिखिए, आय की आवाज निकलेगी। अब उसके बाद बच्चों, अगर मैंने कहा ओ लड़की नीचे बैठ तुरंत, हाँ भाई ओ हीरो नीचे बैठ जा, बड़े मतलब एकदम मेरी ऐसी आवाज से तो ऐसे हो जाओ, खतरनाक सी हुई मैडम है। तो अगर आपको कोई हाथ दिखाए, एक हाथ दिखाए और उसके साथ एक उंगली दिखाए और ऐसे करे, तो तुरंत क्या, कौन सी आवाज निकलनी चाहिए? ओ, कौन सी? ओ, कौन सी आवाज? ओ, तो ये हाथ और उसके ऊपर उंगली, सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप इसी में होते हो, हाथ के ऊपर उंगली है, हाथ और उंगली, तो क्या बोलना है? ओ, सुधर जा, मान जा, है ना, हाथ के ऊपर उंगली है, और जब ये बोले मुंह पे उंगली, ए मुंह पे उंगली, तो ये ए है, ये कौन सी है? ए। ये कौन सी है? ए। और ये कौन सी है? ओ। ये कौन सी है? ओ। ये कौन सी है? ओ। और ये कौन सी है? ए। ये कौन सी है? ए। वेरी गुड। तो ए, अब जैसे एक शब्द है क ओ ये
और ल, कोयल, क्या हो गया? कोयल। अब बच्चों मैं ऐसे अभी तुमने देखा होगा गली में कई बार तुम्हारे कुत्ते घूमते रहते हैं तो कैसे बुलाते हैं, औ औ औ औ औ औ। अगर आपको एक हाथ और उस पे दो उंगली दिखे, ठीक है, एक हाथ और दो उंगली दिखे तो औ, क्या हो जाएगा? औ। तो ये आपका हाथ और ये आपकी दो उंगलियां किसकी हो गई है? औ की। का आओ, आ, कौवा, क्या हो गया? क्या हो गया? कौवा। अब एक जरूरी मात्रा बीच में मैंने करी है गायब, जिसमें तो तुम पक्का कंफ्यूज रहते हो, और वो मात्रा मैंने इसीलिए छोड़ के रखी तुम्हारे लिए कि उसमें तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। अब एक दिन मैंने इतना ज्यादा खाना खा लिया, इतना ढेर खाना खा लिया रात को कि मेरे हो गया पेट में दर्द। फिर मैंने खा ली हींग गोली। क्या खा ली? हींग गोली। और तुमने भी देखा होगा जब ज्यादा खाना खा ले या पेट में दर्द हो रहा हो और हींग गोली खा ले तो थोड़ी देर बाद क्या होने लग जाता है? भूई भूई होने लग जाती है, है? कौन कौन ऐसा बच्चा है हमारा जो पुई सॉरी? तो जब आप लोग अपनी गैस लीक करते हो, है ना, तो ऊ की आवाज करते हो नहीं करते? हैं? ऊ, पेट में गड़बड़ होते ही गैस लीक करते हो तो कैसी आवाज करते हो? ऊ। और लंबी वाली गैस लीक करनी हो तो ऊ, है ना? अब भाई अगर तुम्हें गैस लीक करनी है ना, जब भी पेट में गड़बड़ होगी और गैस लीक करनी है, तो अगर तुम लोग छोटी सी गैस लीक कर रहे हो, थोड़े वाले पदोड़े हो, है? छोटे वाले, तो ऊ की आवाज निकालोगे। किसकी? किसकी? इसीलिए ये मात्रा नीचे लगती है, इसीलिए मैं बाद में बता रही हूँ आपको, नीचे लगती है ना, क्योंकि हवा कहाँ से निकल रही है आपकी? नीचे से आवाज निकल रही है आपकी, तो ऊ की आवाज। पर अगर आप बड़ी गैस छोड़ रहे हो, बड़ी गैस छोड़ रहे हो तो ऊ, जैसे अब ये है, अगर आपने गैस छोड़ी और थोड़ी सी छोड़ी तो आप करोगे पू, कैसे करोगे? और चुपके चुपके कर लोगे धीरे धीरे, है नी पू। पर अगर आपने सोची आज तो घर में हूं कोई नहीं, आसपास कोई देख भी नहीं रहा, ठीक है, गुंजन करती है ऐसे, अच्छा तो कितनी तेज आवाज निकलेगी? कैसे निकलेगी? पू की, ठीक है। अगर आपने पानी में एक कंकड़ फेंका, पानी में एक कंकड़ फेंका तो कैसी आवाज आती है? अंग, नहीं अंग, ठीक है। किसी भी चीज पे आप एक ऐसे कंकड़ फेंक के मारते हैं तो कैसी आवाज आती है? अंग, है ना। तो एक ये भी मात्रा है जिसके ऊपर सिर पर बिंदी होती है, क्या होती है? बिंदी। और इससे बनने वाला शब्द है अंगूर, क्या है? अंगूर, क्या है? क्या है? चलो सारी ये महत्वपूर्ण मात्राएं एक बार हम फिर से दोहराते हैं। अगर आपके पड़े डंडा तो ये डंडे वाली कौन सी मात्रा है? कौन सी है डंडे वाली मात्रा? आ की मात्रा। और भैया अगर तुम्हारे निकले छोटी सी हवा तो कौन सी मात्रा है? ऊ की। कौन सी मात्रा है? और अगर निकले बड़ी हवा तो ऊ की। कौन सी? ऊ की। अच्छा अगर मैं कहूँ ए शांत बैठिए मुंह पे उंगली, एक उंगली, तो कौन सी मात्रा है? वेरी गुड। और अगर कोई ये दिखा दे, हैं? तो क्या करना चाह रहा है? तो कौन सी आवाज निकलेगी? आई की। कौन सी आवाज? अगर आपके सर पे कोई छोटा वजन रख दे तो कौन सी आवाज निकलेगी? और अगर सर पे बहुत भारी वजन रख दे तो कौन सी? ई।
और अगर आपको एक हाथ और एक उंगली दे के कोई बुलाए तो कौन सी होगी? ओ। और कुत्ते की तरह कोई कुत्ते को बुलाए, आओ 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 आओ। और अगर पानी में कोई कंकड़ी फेंके, आंग। कौन सी? छोटी हवा छोड़ोगे तो कौन सी होगी? और बड़ी हवा छोड़ोगे तो? और अगर मुंह पे उंगली रखने को बोलोगे तो? और अगर किसी को ऐसे हाथ के साथ उंगली दिखाओगे तो? और अगर कुत्ते को बुलाओगे तो? और अगर कोई ये दो उंगली दिखाए तो? तो अगर आपको दिखे ये डंडा, वेरी गुड। अगर आपको बोला जाए मुंह पे उंगली रख लो सब, ए, ये जो उंगली है मुंह पे उंगली रखने के लिए क्या है आपको धमकाने वाली? ए, वेरी गुड। ये उंगली दिखा के कोई घुसाए आपकी आंखों में और कोशिश करे आंख फोड़ने की तो कैसी आवाज निकलेगी? आई। कैसी निकलेगी? आई। ठीक है, अगर तुमने छोड़ी छोटी सी हवा है, गैस बन गई, तो कैसी आवाज निकलेगी? वेरी गुड। और अगर तुमने छोड़ी बड़ी सी तेज हवा तो कैसी? अगर आप किसी को एक हाथ और उसके साथ उंगली दिखाओगे तो कैसी आवाज निकलेगी? ओकी। कैसी निकलेगी? ओ मांजा, है ना, मैं बता रहा तुझे मांजा। और अगर आपको कोई कुत्ता बुलाना हो रोटी डालने के लिए, आओ 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 आओ, तो ये हो गई हमारी आओ की। आपका हाथ और उस पर दो उंगली, और अगर आपका हाथ और उस पर एक उंगली है तो ओ की। किसकी? ओ की। हाथ और एक उंगली है तो ओ की। अगर छोटी सी हवा निकल रही है आपके, गैस बन गई, तो कैसी होगी? ऊ की। और बड़ी हवा निकल रही है तो की। और आपने एक पानी में कंकड़ मारा, वो कैसा आवाज निकालेगा? अंग की। कौन सी आवाज निकलेगी? अंग की। और सीधा डंडा पिछवाड़े में पड़ा, कैसी आवाज निकलेगी? आ की। कैसी? आ की। और अगर आपके सर पे किसी ने रख दिया थोड़ा सा वजन तो कैसी आवाज निकलेगी? कैसी निकलेगी? ई। और अगर आपके सर पे किसी ने रख दिया बहुत भारी वजन तो कैसी आवाज निकलेगी? कैसी निकलेगी? ई। और अगर आपको दिखा दी किसी ने उंगली तो क्या? खबरदार, मान जाओ। ठीक है, समझ में आई? तो अब तो आप गड़बड़ नहीं कर रहे हो। अब इसी से संबंधित आपको एक्सरसाइज दी जाएगी और फिर से एक बार मैं चेक करूंगी कि इतनी मेहनत के बाद मुझे मेरा नाम बदलना पड़ेगा या मेरा नाम पूनम ही ठीक है। तो भाई जानबूझ के फेल मत हो जाइए, कोई सा बबली रखना है, मतलब मेरा नाम बदलवा के ही मानोगे तुम लोग। भैया पूनम नाम में क्या दिक्कत है?